गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज मैं ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही छोटे गांव में हूँ। बहुत ही छोटा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 20 से ज़्यादा घर नहीं है, सुपरमार्केट नहीं है, आसपास कोई स्कूल गार्डन नहीं है। पर बिकॉज ये इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये वाला गांव, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इस गांव का टूर देती हूँ। यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं वो बताती हूँ, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है यहाँ पर। और ये बिकॉज पहाड़ों के बीचों बीच में है तो ऑफकोर्स यहाँ के जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट हैं। लोगों की हॉबीज़ बहुत डिफरेंट है, लोग जिस चीज़ से कमाते हैं लाइक हाइकिंग, स्की डाइविंग और भी सारी चीज़ें, उससे यहाँ के लोगों का जो है वो रोज़गार चलता है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चलो देखते हैं नेचर की खूबसूरती। कि ये जो बंदा अभी निकला ये यहाँ का किसान होगा क्योंकि सुबह से मैं इसको लकड़ियाँ लाते हुए दिख रही हूँ उस जंगल से। तो जिस घर में हम रुके हुए हैं उसका ओनर जो है वो स्की इंस्ट्रक्टर है। ऑस्ट्रिया बहुत फेमस है स्कीइंग के लिए। यहाँ पीछे आपको घोड़े वगैरह तो दिख ही रहे होंगे। देखो वहाँ पर आपको ऊपर जो है वो ये माउंटेन दिख रहा होगा जिसमें स्नो वगैरह जमी हुई है, तो यहाँ से जा सकते हैं। एंड यहाँ केबल कार्स भी हैं आसपास। पर इस जो गाँव है उसका नाम है हैबिचिन और ये हाईवे है। हाईवे से एक रोड अंदर जाती है जिसमें 20 से 30 घर हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं है। और हम वहीं पर छोटे से गांव में रुके हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो ओनर है वो इंस्ट्रक्टर है, हमारा जो एयरबीएनबी है वो पीछे दिख रहा है। पर यहाँ जितने भी घर बने हुए हैं जो आपको पीछे लकड़ी वाले घर दिख रहे हैं, मोस्टली यहाँ के जो लोग हैं वो इससे ही कमाते हैं, लाइक एयरबीएनबी होटल टाइप के या अपने अपार्टमेंट्स जो हैं उन्होंने रेंट पे दिए हुए हैं। तो हम जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर आके रहते हैं। पीछे जो घर दिख रहा है ये लिखा हुआ है फ्राई वोनम, मतलब फ्री अपार्टमेंट है 2 से 3 लोगों के लिए। तो ऐसे हर जगह हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं ना इसी टाइप के घर हैं। तो ये यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग इससे भी कमाते हैं। जैसा कि माउंटेन जो भी यूरोपियन माउंटेन है उसकी एक खासियत है, इस टाइप के नल होते हैं और इसमें इतना टेस्टी पानी होता है, आई लव दिस पानी। तो आप जैसे घूमते घूमते थक जाओ तो ये वाला पानी जो है ये फ्री का होता है, सब लोग पी सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ जो हैं छोटे स्टे हैं बट कुछ बड़े बड़े होटल्स भी हैं। जस्ट इतनी छोटी सी जगह पर इतने बड़े बड़े होटल्स हैं। और यहाँ पर स्काई डाइविंग भी होती है, प्लस यहाँ पर ई बाइक एरिया है, तो अगर किसी को बाइकिंग का शौक है तो बाइकिंग के लिए भी पाथ्स बना रखे हैं। प्लस कुछ कुछ दूर पे लाइक कुछ कुछ किलोमीटर्स पे बहुत सुंदर सुंदर हाइकिंग एरियाज हैं। लाइक आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इवन आई हैव सीन दैट कुछ 3-3 दिन के भी हाइकिंग एरियाज हैं जहाँ पर आप टॉप पे पहुँच के यू कैन सी अ वेरी गुड लाइक व्यू पॉइंट टाइप की चीज़ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बट आई कैन सी देयर स्काई डाइविंग लोग कर रहे हैं वहाँ पर। तो अगर आप लोग एक्चुअली हाइकिंग करने का आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, शौक है, तो ऑस्ट्रिया एक डेस्टिनेशन हो सकती है। ऑस्ट्रिया में भी इस तरीके के जो गांव होते हैं जो आई थिंक नोन नहीं होते हैं उस तरीके के गांव में आके, और ये लोग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि ये कंट्री भी बहुत हद तक जो है वो ट्रैवल से चल रही है। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं कि कहाँ पर है आसपास के एरियाज जहाँ आप जा सकते हो, कितना किलोमीटर हाइक है, वो सारी चीज़ कर सकते हो। बट अभी हम फोकस करते हैं इस गाँव के ऊपर। यहाँ तो ये गांव ख़त्म हो गया, बस इतने से में इस तरफ रोड है और इस तरफ रोड है। पर हाँ यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी लेक्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो देख सकते हो।
जो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन दिया हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हो हबिशन करके जगह जहाँ पर अपन अभी खड़े हैं, फिर हबिशन जे मतलब हबिशन लेक है यहाँ पर, पाइबुर्गर लेसी, भाई इंग्लिश और जर्मन में बहुत कंफ्यूजन होता है, और ये सारी जगह भी आप जा सकते। सो दीपक मजा आ रहा है। और जैसा सारे गांवों में होता है ट्रॉली ट्रैक्टर्स, तो ये ट्रॉली खड़ी हुई है बीच में, ऐसे बहुत सारे स्पॉट है जहां हमने ट्रॉली और ट्रैक्टर डिटेक्ट किया है। बट द ब्यूटी ऑफ दिस गांव इज ये जो लकड़ियों के घर हट्स टाइप के बने हुए हैं, खुला खुला एरिया है, लोग बाग नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं। और पता है ये गोबर का ढेर देख के मुझे एक्चुअली इंडिया के गांव याद आ गए, हम जिस गांव में रहते हैं। और पर ये कितना सुंदर लग रहा है ना, ये वाला गोबर भी पीछे, बट हाँ हर गांव की तरह यहाँ पर भी जो है वो गोबर का ढेर है। दीपक हर जगह हाइक करके जाना है यहाँ, पता इट्स नॉट सो सिंपल, सब जगह जो है वो कुछ कुछ डिस्टेंस पर। देखो हम यहाँ तक आ गए, हम वहाँ थे, वहाँ से यहाँ तक चल के आ गए। वाइल गिविंग यू टूर ये रियलाइज हुआ मुझे कि यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, ये कैसी अननोन प्लेस है जहाँ पर लोग बहुत कम लोग आते हैं, या तो टाइम की वजह से या वॉट एवर। पर अभी हम वहाँ से बहुत पीछे से चल के आए हैं एंड अभी तक भी कोई भी नहीं दिखा हमें। दीपक और हम सोचते हुए कि ये ट्रॉली वहाँ जाएगी या नहीं, क्योंकि रास्ता ये है अंदर जाने का। देखो ये लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। सो वेलरब्रुके है, देन ओइट्स, देन पिबुर्गजे, ये सारी जगह जो है वो घूमने लायक है। और ये एकदम जंगल जैसा फील दे रहा है, एक्चुअली जंगल ही है क्योंकि देखो। दीपक यार तुम तो इतना गांव में रहे हो, तुम्हें क्या डिफरेंस फील होता है तुम जब यहाँ के गांव में घूमते हो? और यार देखो बेसिक लाइफ देखी जाए ना, जो सस्टेनेबिलिटी है वो तो इंडिया के गांव में भी है। मतलब तुमने भी देखा यार, अपने जब पंजाब गांव जाते हैं तो सब्जी वहीं खेतों में उग रही है, अनाज वहीं से आ रहा है, वहीं दूध घी सब वहीं से निकल रहा है, रोटियां मतलब वहीं लेके वहीं डिस्पोज हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है दुनियादारी की, लाइट की ज़रूरत है नहीं, है लाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं। पर यार यहाँ पर चक्कर डिफरेंस ये है कि यहाँ के जो शहरों का जो एनवायरनमेंट है वो गांवों में भी, मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, लाइट, सड़कें, बस, स्कूल, हॉस्पिटल सब बहुत एक्सेसिबल है। और ब्यूटी तो यार गजब ही है यार, देखना चारों तरफ मतलब पहाड़, हाइकिंग, स्कीइंग, गजब नज़ारे। और एक और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो अपने यहाँ मतलब गाँव नहीं सभी जगह से हुए हैं, यहाँ पर जितने भी अच्छे स्पॉट्स हैं ना जो इन्होंने बना के रखे हैं उनको एक्सेस करना बड़ा ईजी है, मतलब इतना मुश्किल नहीं वहाँ तक पहुँचना, बहुत आसानी से इंसान पहुँच सकता है। जैसे यहाँ पर जो बस स्टॉप है वो बिल्कुल यहीं पर है। हाँ, इवन रास्ते अंदर अच्छे हैं, मतलब इवन वॉक करने के लिए भी इन्होंने जंगलों में वो बना के रखे हैं पाथवेज प्रॉपरली, ताकि आपको, और वो लगा के रखे हैं बोर्ड्स कहाँ से कैसे क्या टर्न करना है। वो देखो सामने पानी दिख रहा होगा आपको, इतना ब्यूटीफुल टाउन ये है गांव, और वो ऊपर से झरने वो दिख रहे हैं। दीपक और हम लोग ना बहुत दिनों से कुछ ढूंढ रहे थे जो आसपास हो, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइव ना हो और कहीं घूमने जाएं। और दीपक का मेन मकसद ये होता है कि एयरबीएनबी अच्छा हो, ताकि अगर बाहर मन ना हो, लाइक बहुत ही वैसा पीसफुल टाइप का हॉलीडे हो। मुझे ऐसा एयरबीएनबी अच्छा लगता है जिसके बाहर निकल के वॉक करो आसपास ही, तो मुझे ही आ जाए और कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ। खाओ पियो मौज मारो। पर ये तो एयरबीएनबी अच्छा है ही है, पर यहाँ आसपास भी इतना सुंदर है तो सब कुछ, एयरबीएनबी तो हम यही यही भटक रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है। आगे एक नदी है उसके ऊपर ब्रिज है, वहाँ जाना है अभी हमें, जाएंगे।
हियर द साउंड ऑफ वेव्स, ये देखो, एंड ये इतना सुकून दे रहा है। हम चलते चलते मतलब कुछ ही वॉक किया हुआ है और यहाँ पर पहुँच गए। लग रहा है यहाँ आने के बाद कि भाई जिंदगी जो है बस अब थम जाए, अब भागे भाग दौड़ से अब बस रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर आगे इतना सुकून मिल रहा है। पानी, झरना, नदी, पहाड़, नेचर के सारे एलिमेंट्स जो है इस गांव में दिख रहे हैं। दीपक लोगों के घर देखता हुआ, कितना शानदार स्विमिंग पूल है। मैं देखा नहीं, अभी दिखेगा क्या यहाँ? यहाँ तो दिख रहा है, कवर किया। देखते हैं, ये भी अलग ही सुख है। हाँ हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है। एंड यू नो, हम लोगों को ये जगह क्यों अच्छी लग रही, क्योंकि हम पहले जिस एरिया में रहते थे उधर पर एक जगह थी बाढ़ उराक करके, बहुत ही छोटी सी जगह, शायद पता भी नहीं होगा, मैंने कुछ रील्स डाली हैं उसके ऊपर, बहुत ही अनटच अननोन टाइप की जगह थी, वैसा सा फील हो रहा है। एंड मेरे को टास्क दिया है कि अगर ट्रॉली खिसकी तो मुझे हाथ लगाना है, वैसे नहीं खिसकेगी, उसमें ब्रेक भी तो है। तो ये हम पहुंच गए यहाँ, ऐसा लग रहा है खुल जा सिम सिम टाइप की फील दे रहा है ना दीपक। बिहाइंड द डोर टू द राइट यू कैन हियर, अभी ये जो पीछे दिख रहा है गेट, इसमें जो ये लोग गए हैं, ये आपको लग रहा होगा, जस्ट गेस और कमेंट करना क्या है। तो ये जो है ये आइस सेलर है, इसमें इस तरीके की अंदर चीज़ें हैं जिससे कि ये हमेशा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है 0 डिग्री। चलते हैं देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। आइस केव्स बोलते हैं, आइस केव्स। चलो भैया देखते हैं। भाई मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई दूसरी दुनिया। ओहो, तो बहुत ठंडा है दीपक। ये आइस केव है देखो, इस तरीके का, और इसमें टेम्परेचर भी, अरे बहुत ठंडा है ये टेम्परेचर के लिए भी लगा है, ये हमेशा जो है 0 डिग्री रहता है। ये देखो 0 डिग्री। चल फिर इसके अंदर दीपक घुसता हुआ। तारा आपको जाना है नेचुरल फेस पे? थर्मामीटर लगा हुआ है 0 डिग्री टेम्परेचर। हाँ देखा मैंने। और ये देखो, ये ऐसा अंदर बहुत ही छोटा सा है कि पर वैसी है ना, डरावनी सी जगह। हाँ ऊपर माउंटेन खुली, मतलब ऊपर केव्स खुली हुई है। हाँ उस पे लेकिन पानी अंदर नहीं आता, इसमें ऐसा अंदर से ऐसे पहाड़ों के अंदर रास्ते बने हुए हैं। सो स्ट्रॉलर यहाँ तक आ भी गया है और हम पहुँच भी गए हैं, और वहाँ पर देखो वो लोग बैठ के इंजॉय भी कर रहे हैं। और इसी बात पे दीपक मुझे याद आया कि मुझे भी भूख लग रही है। ये बस थोड़ा ही चल के ये वाला जो है हिपशर लेक सी, ये जो पीछे लेक है ये हाविशन लेक है, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी टाइप का है, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पीछे जो है वो झरना बह रहा है, दीपक झरना दिखा रहा है सारा। नाउ टास्क टू दीपक, दीपक इज गोइंग अप, देखना कमर ना लचक जाए। वाह यार दीपक उतर, देख ले तारा तेरे डैडी को, उसके ऊपर मत गिर जाना। ये तो बहुत इजी था, ये तो मैं भी चढ़ सकती हूँ, बट मैं जीन्स नहीं पहन के आई तो सॉरी। यहाँ पे बहुत सारे फार्म्स भी हैं बकरी के, सुअर के एंड गाय के, पीछे भी एक ऐसा फार्म है, ऐसे बहुत सारे। कल भी हम लोग थोड़ा वॉक रहे थे तो विद इन थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे थे। तो ऐसे गांव होते हैं ऑस्ट्रिया के, या फिर ये वाला जो मैंने आपको टूर दिया है, बहुत ही सुंदर गांव था जो मैंने आपको दिखाया है। और ये जो है हमारा अपार्टमेंट है, अब इवनिंग हो गई है तो अब हम लोग चिल करेंगे, पार्टी करेंगे। बाकी आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें हम लाइफस्टाइल जर्मनी की और यूरोप की बताते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ होते हैं, तो वो भी देखिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।